सुप्रभात छात्रों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास के उपभेद। यानी तत्पुरुष समास हमारा चल रहा था, तो तत्पुरुष समास में हमने आपको फ्लोचार्ट के माध्यम से दो भेद बताए थे, एक तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्याधिकरण में तो द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, वो उदाहरण आपको समझा दिए। और जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है उसके तीन भेद बताए थे, एक तो कर्मधारय और एक द्विगु समास, ठीक है। और यानी कि अब इसके बाद आता है यानी कि तत्पुरुष समास के उपभेद, यानी नन तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास, तीसरे के अंदर ये तीनों आते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के उपभेद, नन तत्पुरुष समास, इस समास का पूर्वपद निषेधार्थक तथा उत्तरपद संज्ञा पद होता है। इस पद का नन तत्पुरुष समास किसे कहते हैं कि इस समास का पूर्वपद निषेधार्थक, निषेधार्थक यानी कि नहीं के अर्थ में, किसके अर्थ में, नहीं के अर्थ में, तथा उत्तरपद कैसा होता है, संज्ञा पद होता है, उसे क्या कहेंगे हम, नन तत्पुरुष समास कहेंगे। यथा जैसे बेटा देखो ये उदाहरण देखो, समस्त पद है ए ब्राह्मणम, क्या है ए ब्राह्मणम, ए ब्राह्मण है यानी कि जो समस्त पद है उसके प्रथम जो यानी कि समस्त पद का जो प्रथम वर्ण है उसमें क्या आएगा, ए, ठीक है। और यानी कि जब विग्रह करेंगे तो उसमें निषेध अर्थ यानी कि नहीं का प्रयोग होगा। तो समस्त पद है ए ब्राह्मण है यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, तो संस्कृत विग्रह हो जाएगा इसका न ब्राह्मण, न ब्राह्मण, ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है, न ब्राह्मण इति, ठीक है, जो ब्राह्मण नहीं है, ठीक। उसके बाद है अनश्वे, अनश्वे यानी जो अश्व नहीं है, तो इसका विग्रह हो जाएगा न अश्व, न अश्व, ठीक है, न अश्व इति, यानी कि इस प्रकार के उदाहरण भी तत्पुरुष समास के में ही, यानी कि तत्पुरुष समास के ही ये उदाहरण हैं। और ये कौन से तत्पुरुष समास है, नन तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है प्रादि तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, इस समास का पूर्व पद कुगति संज्ञक अथवा प्र होता है। प्रादि तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है कि इस समास का पूर्व पद जो होता है वो कुगति संज्ञक अथवा प्र होता है। यथा जैसे समस्त पद में देखो कुपुरुष है प्राचार्य, अब इन दोनों उदाहरणों में देखो बेटा कुपुरुष है, यहाँ पर इस पद का प्रथम जो यानी पूर्व पद क्या है, कु, कु लगा हुआ है, ठीक है। और इधर दूसरे उदाहरण में देखो प्राचार्य यानी कि प्र आ गया है, इसलिए ये प्रादि तत्पुरुष समास कहलाए। अब देखो बेटा समास विग्रह संस्कृत में किस प्रकार से करते हैं, तो वह कुपुरुष है यानी कि खरा पुरुष, ठीक है ना, कुत्सित पुरुष है, तो संस्कृत में इसका विग्रह हो जाएगा कुत्सितें, कुत्सितें पुरुष है, कुत्सितें पुरुष है यानी कि खराब पुरुष। अगला है प्राचार्य, प्राचार्य यानी कि प्राचार्य यानी कि प्रगत आचार्य, समास विग्रह क्या हो जाएगा, प्रगत आचार्य, प्रगत आचार्य, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, इसमें पूर्व पद उपपद तथा पूर्व पद उपपद तथा उत्तर पद कृत प्रत्यांत होता है, इसमें पूर्व पद उपपद तथा उत्तर पद कृत प्रत्यांत होता है, यानी कि जो पूर्व पद होता है वह तो उपपद होता है और जो उत्तर पद होता है यानी कि जो दूसरा पद होता है वह कैसा होता है, कृत प्रत्यांत होता है, यानी कि इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यथा जैसे समस्त पद में देखो कुंभकारय, कुंभकारय यानी कि कुंभ यानी मटके का निर्माण करने वाला, ये उपपद, ये तो क्या हो गया उपपद, कुंभ का अर्थ क्या होता है, मटका घड़ा, और कारय यानी बनाने वाला। अब ये जो कार्य जो है इसमें कृ धातु में आर प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए कार्य का यानी कि निर्माण करने वाला बनाने वाला, तो प्रत्यय का प्रयोग होकर के
यानी कि जो बनाने वाला होता है, करता है, ठीक है ना। तो ये इसमें किसका प्रयोग हो गया है, क्रिया का प्रयोग हो गया है, इसलिए ये यानी कि उप तत्पुरुष कहलाया। तो इसका विग्रह हो जाएगा कुंभकारक का कि कुंभम करोति इति, कुंभम करोति इति, यानी जो कुंभ मटके का निर्माण करता है। उसके बाद है सूत्रकार, अगला उदाहरण क्या है, सूत्रकार, इसका समास विग्रह हो जाएगा सूत्रम करोति इति, सूत्रम करोति इति, ठीक है बेटा। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, जो तत्पुरुष समास आपको पढ़ाया था, तो तत्पुरुष समास के हमने सबसे पहले उसके दो भेद बताए थे, एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है उसके अंदर तो भाई द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग हो गया है, और जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास में हमने कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास भी समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर आता है, और द्विगु समास भी कर्मधारय तत्पुरुष समास के अंदर आता है। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास के उपभेद, यानी कि नन तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, उप तत्पुरुष समास। इस प्रकार से हमारा समास का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुव्रीहि समास। धन्यवाद।